इस घर में बगैर बताए तुम घुसे किस? घर के बाहर तुम्हें बेल नजर नहीं है जो मुंह उठा के अंदर चले आ रहे हो? ये तुम मुझसे कह रही हो कि मैं मुंह उठा के अंदर चला आ रहा हूँ? किससे मिलना है तुम्हें? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये घर तुम्हारा है। नहीं तो तुम्हारे बाप का घर है। आप तक नहीं पहुँचना। ओए उंगली नीचे करके बात करो। अगर तुमने मुझे अपने आने का मकसद नहीं बताया ना तो अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करूंगी, समझ आई? फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी के घर में बगैर बताए कैसे घुसा जाता है। पुलिस को मैं फोन करने लगा। एक मिनट। लो 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 मेरे बच्चों, पुलिस को मैं फोन करती हूँ। क्या कहोगे कि खूबसूरत हसीनो जमीन लड़की को घर में तन्हा देख के मैं घुसा चला आया? गलती तो मेरी ही है। आंटी मुझसे कहती भी है कि घर का दरवाजा बंद करके रखा करो। आंटी वो कहीं तुमने उन्हें? ओह माय गॉड। ओए किसे घुसे जा रहे हो हैं? हाथ छोड़ो। कैसे हाथ छोड़ो? तुम्हें मैं एक कदम भी घर में घुसने नहीं दूंगी, समझे? पीछे हटो। चलो कैसे पीछे हटो? मैं ना तुम्हें घसीटते हुए सड़क तक ले जाऊंगी, पूरा मोहल्ला तुम्हारा तमाशा देखेगा, समझे? वो स्टिकर यहाँ से उठाऊंगा और यूं ही दरवाजे से बाहर जाओगी। चलो छोड़ो। स्टिकर? तुमने मुझे स्टिकर का? अब तुम मुझे घर में घुस के दिखाओ। चलो निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। तुम निकलते हो नहीं? निकलो। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? आंटी जी देखिए, पता नहीं कौन घर में घुस गया। ये पारस है मेरा बेटा। सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जी ओ जी तेरा बेटा कुछ रहा। इतना करे थी आने की? सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, सारा कबाड़ा कर दिया इसने। बड़ा आया तमीज़ुद्दीन। क्या कुछ मुझसे कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। सुनो बात सुनो मेरी, ये शगुफ्ता है, बहुत अच्छी लड़की है। जी जी अभी मुझे थोड़ी देर में अंदाजा हो गया कितनी अच्छी है ये। सादर तंग करने की जरूरत नहीं, मुझे आपने कौन सा बताया था कि आप पारस हैं? क्या कितनी बड़ी ड्रामा है मम्मी, अभी आपके आने से पहले इतना रूडली बिहेव कर रही थी मुझसे और अब एकदम मैं आप हो गया। मैं भी आई। चलो इधर ये बताओ तुम। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि हर एक पर इत्बार नहीं करते होंगी? और मैंने तुम्हें कितनी बार जवाब दिया है कि हर कोई इत्बार को ठेस नहीं पहुंचाता? अब पता नहीं आपने किस लड़की को रख लिया है काम पे, कस भर लंबी जुबान है उसकी। इंसान बनो, खबरदार जोशी गुप्ता के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तुमने। अच्छा फिर काम वाली के लिए मुझे डांट रही? तुमसे मैंने कहा कि मुझे चाय चाहिए। मर्जी है आपकी, मैंने सोचा आप सफर से आए हैं तो चाय बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, चाय में और आंटी पी लेंगे। ले लीजिए आंटी। थैंक यू बेटा। काम वाली को इतना फ्री किया हुआ आपने। आपकी इत्तला के लिए आया था मिस्टर तमीज़ुद्दीन कि मैं इस घर की काम वाली नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। और क्या? क्या बेटी? हाँ बिल्कुल मेरी बेटी है ये, और तुमसे ज्यादा ख्याल रखती है मेरा। बुरा मत मानना बेटा, मैंने इसको दरअसल बताया ही नहीं था तुम्हारे बारे में, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा। कोई बात नहीं आंटी। इंसान को ना अपने सामान की हिफाजत खुद करनी चाहिए, यहाँ पे कोई नौकर नहीं बैठे जो आपका सामान आपके कमरे तक पहुँचाएंगे। अच्छा ये मेरा कमरा है? मुझे तो ये मेरा कमरा लग ही नहीं रहा है, ये सब क्या किया है? मैंने सेट किया है, आपने तो इसे मस्ती बाजार बनाया हुआ था। आपकी वार्डरोब भी मैंने सारी सेट कर दी है, गर्मियों के कपड़े अलग हैं और सर्दियों के कपड़े अलग हैं। अच्छा वो जो आपकी टी शर्ट है ना वो दाएं वाले हिस्से में, सूट सारे बाएं वाले हिस्से में। सिर्फ बात तो बताएं, आप इतने हल्के रंग क्यों पहनते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए मैंने आपकी बेडशीट भी तब्दील कर दिया और पर्दों का रंग भी तब्दील कर दिया। तो पता तो चले किसी नौजवान इंसान का कमरा है। अच्छा मैं ये सोची थी कि मैं ये जो सोफे है ना इनका रंग भी हाँ तो इनका रंग। जस्ट स्टॉप इट, बाहर जाओ मेरे रूम से और आइंदा मेरे रूम के पास नजर भी मत आना। क्या हुआ? फ्लाइट में किसी एयर होस्टेस ने डांटा है क्या? मैं से नहीं मानू। अम्मी ये क्या हो रहा है हमारे घर में? उस लड़की ने मेरे कमरे का हशर नशर कर दिया है। क्या हुआ? हशर नशर तो तुमने कर रखा था अपने कमरे का, उस बेचारी ने तो पता नहीं कितनी देर लगा के उसको ठीक ठाक करके रखा है। अम्मी कौन है वो लड़की? तुम्हें बताया तो उसने, मेरी बेटी है।
अच्छा अगर ये बात समझ में नहीं आती तो ये समझ लो कि मेरी पेइंग गेस्ट है, ऊपर के पोर्शन में अपने अब्बा के साथ रहती है। अम्मी आपने फिर ऊपर का पोर्शन दे दिया किराए पे, मैंने आपको मना भी किया था यार। अच्छा बैठो बैठो, तुम्हारे मना करने के बावजूद इसलिए रख लिया कि बहुत अच्छे लोग, उन्हें शदीद जरूरत थी और मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। क्यों, मैं मर गया था क्या? क्या फिजूल बातें करो बेटा, मैंने आपसे कहा भी था मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। पारस अब तुम बदतमीजी पे उतर आए, पता नहीं कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, आपने तरस खाकर घर में बिठा लिया उनको। मैंने कोई तरस नहीं खाया उनके ऊपर, मैंने तो मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है बस। और वो इस बात का ये सिला दे रहे हैं आपको कि उनकी बेटी हमारे घर में जो चाहे वो करती फिरती है। ये तो उसकी अच्छाई है बेटा, वो किराए देकर रह रहे हैं, हम कोई एहसान तो नहीं कर रहे उनके ऊपर, फिर भी उसने पूरा घर संभाला हो। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ऐसे लोग पूरा घर संभाल लेते हैं, और पता है फिर मालिक मकान की जगह कहाँ होती है, घर से बाहर। नहीं बेटा, शगुफ्ता के आने से मैं तो बहुत ही सुखी हो गई हूँ। अम्मी मैं आपको कैसे अब खबरदार जो तुमने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। ओके, लेकिन आप उसको समझा दीजिए मुझसे दूर रहे वो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड ही उसको तुमसे दूर रखने के लिए काफी है। शगुफ्ता, अरे भाई ले आओ ना, क्या मुंह मीठा करवा रही हो? ये लीजिए खीर। ओ खीर आ गई है, खुद बनाई है या बाजार से मंगवाई है? अब मैंने बनाई है। मजे किया। ये बताओ कि नीचे कोई मेहमान आया है? काश मेहमान ही होता, नफीसा आंटी का बेटा वापस आ गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा, मैं जरा उससे मिल के आऊँ। नहीं नहीं, नहीं आपको कोई जरूरत है आपको मिलने की, वो उस काबिल नहीं है। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। अब देख लीजिएगा, आप उससे मिलेंगे ना, पहला ऑर्डर वो ये देगा कि सामान बांधे और ये पोर्शन खाली करे। ऐसा कहा है उसने? ऐसा कहा तो नहीं है, लेकिन चाहता वो यही है। अच्छा जो कुछ भी है ना, मुझे उससे मिलकर तो आने दो। अब कोई जरूरत नहीं, बहुत बदतमीज लड़का है वो। घर का मालिक है वो, कुछ कहेगा भी तो मैं खामोशी से सुन लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम खीर खाओ मैं आ रहा हूँ। भुगते हैं फिर उसे खुद। अम्मी तो दवा खा के सो गई हैं, आपको कोई काम है तो बताइए मुझे। नहीं बेटा काम तो कोई नहीं था, वो शगुफ्ता ने मुझे अभी बताया कि तुम वापस आ गए, तुमसे मिलने के लिए आया था। अच्छा आई सी, तुम्हारी वालदा का बड़ा एहसान है बेटा हम पे, बहुत ही नफीस खातून है। दरअसल पिछले मालिक मकान ने हमें फौरन घर खाली करने को कह दिया। जवान बेटी को लेकर किसी नई जगह पे जाना बहुत बड़ा रिस्क होता है बेटा। मैं बेटा प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ, अक्सर देर सवेर हो जाती है, लेकिन यहाँ आने से मैं शगुफ्ता की तरफ से बेफिक्र हो गया हूँ। तुम्हारी वालदा बहुत ख्याल रखती है, अल्लाह उन्हें सेहत दे तंदुरुस्ती दे। जी उनकी तो एक्चुअली नेचर ही ऐसी है, इनफैक्ट वो आप लोगों के यहाँ होने से भी बहुत खुश है। आप प्लीज बैठिए ना। नहीं बेटा तुम भी थके हुए हो, आराम करो, फिर किसी वक्त मुलाकात करूंगा तुमसे। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा बेटा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जीते रहो। शुक्रिया। बाप कितना कूल माइंडेड है यार, अब बेटी को देखो। कहा था ना मैंने आपको मत जान, लेकिन आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। अरे बेटा अच्छा किया ना मैंने उससे मिल लिया, कम से कम आइंदा मिलने के लिए शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना। क्या आपको आइंदा मिलने की भी ख्वाहिश है? ओहो तुम पता नहीं क्या अजीब बातें कर रही हो। अरे वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अदब लिहाज वाला, मुझसे बड़ी फरमा बरदारी से बात की है उसने। तुम तो खामखा अजीब अजीब बातें कर रही हो, हद हो गई। Bye.
शक्ल का तो अच्छा है अगर बोले नहीं तो। ये सुबह सुबह मेरे सामने आना जरूरी था तुम्हारा? इस पे तो मैं भी एतराज कर सकती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जरूरी था कि सुबह सुबह एन मेरे कमरे की खिड़की के नीचे एक्सरसाइज की जाती। तुम होश में तो हो? मतलब अपने ही घर में मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ एक्सरसाइज करूँ और कहाँ नहीं। एंड बाय द वे ये सब क्या है? नजर नहीं आ रहा आपको? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, ये चाय पानी और जूस को एक साथ मिक्स करके ले आओ। मेरा बच्चा। ए मिस्टर तमीजुद्दीन, पहली बात तो ये कि मुझसे तमीज से बात क्या करो, और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता था कि एक्सरसाइज के बाद तुम क्या पीते हो, इसलिए तीनों चीजें ला रही थी। मुझे जो भी पीना होगा मैं खुद पी लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे नाश्ता बनाने की फिक्र से भी आजाद हो जाऊं? मेरी तरफ से आप सारी जिम्मेदारियों से आजाद है। मर्जी आपकी। पारस। सलाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा दूं? जी बनवा दे, बल्कि बुआ से कहीं यही लगा देना के। बुआ अब काम नहीं करती बेटा। क्या? हाँ बेटा, वो तो पता नहीं कब से काम छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी की वजह से चुप थी। अब शगुफ्ता ने आके सब काम संभाल लिया है तो मैंने उसे पारक कर दिया। इसका मतलब है कि आपने घर का सारा अख्तियार उस क्या नाम है उसका, शगुफ्ता को सौंप दिया? नहीं मैंने नहीं सौंपा, उसने एक बेटी की तरह खुद सारा काम अपने जिम्मे ले लिया। मैं उसे कहती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता बना। नहीं नहीं आप रुके, मैं खुद बना लेता हूँ। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान, इसे है समझाना। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान, लत लग गई जमाना कहे लत ये गलत लग गई। जरा जगह दे देंगी आप किचन में? नहीं नहीं आपके अपने दिल में। सामने बैठो, नाश्ता बना रहा हूँ मैं। जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई लग गई। दिल जीतया मैं जीतू नो लो। प्लीज अपना ये सुरीली लगाना बंद करोगी? अगर इतनी सुरीली आवाज है तो बंद क्यों करवा रहे हो? ये गाना पसंद नहीं है तो कोई और गा लेती हूँ। बताओ कौन सा गाओ। एक मिनट, ये फिल्मों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर तमीजुद्दीन, ये नाश्ता वाश्ता बनाना आपके बस की बात नहीं है। आप कहें तो अपनी ऑफर धरा दूं मैं। जी नहीं, मुझे आपकी किसी ऑफर की कोई जरूरत नहीं। सोच लें, दिन का और रात का खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आंटी के लिए तो मैं बनाती हूँ और बुआ ने बाना ने। ठीक है, चाय में चीनी मत डालना। अंदाजा हो रहा है मुझे आपके मिजाज से। Yes. I said yes. बाहर आके मेरी बात सुने। मुलाजिम नहीं हूँ मैं तुम्हारा। ठीक है। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? दवा ली आपने? नहीं बेटा, बस दवा खत्म हो गई थी तो शगुफ्ता लेने के लिए गई है। क्या, रात में सबको दवा लेने गई? अम्मी ठीक है कि मेडिकल स्टोर बहुत करीब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दवा लेने चली जाए रात में। हाँ बेटा, गलती उसकी नहीं मेरी है। मैंने देखा नहीं दवा खत्म हो गई, अब इस वक्त खाने के लिए बैठी तो देखा दवा है ही नहीं, बस चली। कम से कम मुझे तो बताती, मैं जाके दवा ले आता, उसको जाने की क्या जरूरत थी? मेरा ख्याल था तुम घर में हो ही नहीं। कमाल ही करती हैं आप। मैंने कहा जाना है इस वक्त, मैं कमरे में ही था।
बेटा तुम पारस से क्या देती, बोले आता दवा। मैं गई थी इनके पास लेकिन इन्होंने मेरी बात सुना पसंद ही नहीं थी। तुम रूम में अंदर आकर मुझे बात नहीं बता सकती थी, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें सैर सपाटे करने का बहुत शौक है। ना तुम्हें वक्त का अंदाजा है, ना तुम्हें इस बात की फिक्र है कि लड़कियों को इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। आप शायद भूल रहे हैं कि आप ही ने मुझे अपने कमरे में आने से मना किया था, इसीलिए मैं आपसे नहीं कह सकती। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम किसी जरूरी काम के लिए भी नहीं आ सकती हो। अम्मी के सामने हमेशा मजलूम क्यों बनना चाहती हो? आप जाइए अपने कमरे में, आपका लैपटॉप इंतजार कर रहा हूं। ओके, आइंदा कोई जरूरी काम हो तो मेरे कमरे में आ सकती हो। खुदा ना करे मुझे आपसे कोई जरूरी काम पड़े। पारस अंदर क्यों बैठी हैं आप? इस लड़के के काम तो देखो, मैंने तो आज देखी इसकी शर्ट्स, किसी का कोई बटन टूटा हुआ है, किसी का कोई बटन टूटा हुआ है। बहुत ही लापरवाह है ये बच्चा। लापरवाह नहीं, आपकी ढील का फायदा उठाता है आपका तमीजुद्दीन। अच्छा नाम रखा तुमने उसका, तमीजुद्दीन। हाँ तो और क्या कहूँ, गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है उनके। अम्मी कौन सी है? क्या हुआ, हंस क्यों रही हैं? क्या हुआ, खैरियत तो है? क्यों, हंसना खैरियत ना होने की अलामत होती है क्या? तुमसे नहीं पूछ रहा मैं। ओह माय गॉड, तुम्हें सुनती है। चीज़ है बड़े काम की यार। यस वैसे एक बात तो बताओ, इतने हल्के रंग क्यों पहनते हो तुम? थोड़े गहरे रंग पहना करो, बात सूट करेंगे तुम पर। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? नहीं, और कभी मांगोगे भी नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे किसी भी कारामत मशवरे से महरूम रहो। तौबा तौबा, कितने गंदे हो तुम। क्या कहा तुमने? जूते देखे, देखो जरा, गर्द में अटे हुए जूते कमरे में फेंके हुए। जरा सोच समझ के बोला करो तुम। जूते गंदे हैं, मैं नहीं। अच्छा मिस्टर तमीजुद्दीन, ये क्या कर रही है अम्मी? नजर तो ठीक है ना तुम्हारी? तुमसे नहीं पूछा मैंने। बेटा मसाज करवा रहे हैं, हफ्ते में एक दफा कर देती है शगुफ्ता, चैन मिल जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे ना तुम भी मसाज करवा रहे हो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वरना बहुत जल्दी गंजे हो जाओगे, कोई लड़की शादी के लिए हाँ भी नहीं करेगी। अच्छा चलो, जब इस शहर की सारी लड़कियां इनकार कर देंगी ना शादी के लिए, तब तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा मैं। मसाज सेंटर। बेटा इसकी बात का बुरा ना मानना तुम, जो जी में आता है बोल के चला जाता है। हम चीज़ है बड़े काम। कोई बात नहीं आंटी, ठीक हो जाएगा।
बात करने को किसने कहा तुम्हें? कहा तो किसी ने भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि आइंदा आप अपने गंदे जूते कमरे में ना रख सके। ये सब समझाने वाली तुम कौन होती हो मुझे? दुनिया की वो आखिरी लड़की जिसे आप हर लड़की के इनकार कर देने के बाद कॉन्टैक्ट करेंगे। क्या मतलब शगुफ्ता? बताओ ना क्या मतलब है इस बात का? शगुफ्ता, शगुफ्ता, इस घर में शायद मैं भी रहता हूँ, आपको मेरी तो कभी इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं उससे ये कहने के लिए आई थी कि ऊपर से कपड़े उतार के ले आए, शायद बारिश आने वाली है। आप उस पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड नहीं करने लगी? तो क्या करूँ मैं, तुम पे डिपेंड करूँ जिसको मेरी ख्वाहिशात का कोई एहसास ही नहीं है? फिर वही बातें अम्मी, आप उस बात से कब तक जान छुड़ाओगे तुम बेटा? अब तुम देखो, जब से शगुफ्ता इस घर में आई है मेरा दिल लग गया इस घर में, वरना तो तन्हाई मुझे पागल कर देती। वो इसी बात का फायदा उठा रही है, मैं तंग आ गया उससे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों, क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? इसलिए कि इस घर में दो वक्त का खाना बाहर से आने के बजाय घर में पकने लगा है, या इसलिए कि अब इस घर में एक लड़की का चलता फिरता वजूद मुझे अच्छा लगने लगा है, या फिर इसलिए कि अब मुझे सारा सारा दिन तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठना पड़ता? अम्मी वो एक अजनबी लड़की है, आप उससे क्यों इतना अटैच हो रही है? ना आप उसको जानती है ना मैं उसे जानता हूँ। तो फिर ठीक है ना, मान लो मेरी बात, कर लो शादी, बहू घर में आ जाएगी तो मैं अजनबी लोगों से अटैच होना छोड़ दूंगी। शादी शादी शादी, आपको हर चीज का सलूशन शादी क्यों लगता है? जाओ तुम बस। अंधी हो, नजर नहीं आता तुम्हें, अल्लाह ताला ने दो आंखें देखने के लिए दी है ना? अगर देखने के लिए दो आंखें ही जरूरी होती है तो आंखें तो तुम्हारे पास भी हैं। तुम्हें नजर नहीं आया? इस घर पे बाप का राज समझा हुआ है तुमने क्या? अपनी हद में रहो। हद? तुम मेरे घर में मुझसे कह रही हो कि मैं हद में रहूं? अच्छा बताओ क्या हद है मेरी? हाँ, हद में तुम रहो, तुम्हारी हैसियत यहाँ पे सिर्फ एक पेइंग गेस्ट की है, नथिंग एल्स। मुझे मेरी हैसियत बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कहाँ जा रही हो, ये साफ कौन करेगा? अभी तो तुमने कहा है कि घर तुम्हारा है, फिर इसको साफ करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ आई? क्या बात है, मैं आज अपनी बेटी को बहुत उदास देख रहा हूं। तुम तो बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। नहीं अब्बा, उदास तो नहीं हूं मैं। आज तुम जल्दी आ गई ऊपर बेटा, नफीसा बहन को दबा नहीं दी? वो खुद ले लेंगे। लड़ाई हुई है पारस से? नहीं तो कुछ तो हुआ है। अब्बा, पारस को मेरा घर के कामों में ज्यादा दखल देना पसंद नहीं है। ओ, देखो बेटा, मैं ये बात तुमसे कहना चाह रहा था, 3 साल जिस मकान में हम पहले रहे हैं वहां हमने बहुत मुश्किलात देखी है। सबसे बड़ी फिक्र मुझे तुम्हारी हुआ करती थी कि तुम अकेली होती हो। देखो बेटा, ये बहुत अच्छे लोग हैं, अगर इन्होंने हमें पोर्शन खाली करने के लिए कह दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंदाजा है मुझे। तो तुम पारस की मौजूदगी में मत जाया करो, अगर उसे तुम्हारा वहां रहना पसंद नहीं है तो तुम अवॉइड किया करो बेटा, तुम अपना काम पहले।
देखा, कहा था ना, कहा था ना तुमसे बारिश में मत नहाओ, कितने जल्दी तुम्हें नजला हो जाता है, छींके आने लगी ना। शगुफ्ता आज जल्दी कहाँ जा रही हो? नहीं, मार्केट तक जा रही हूँ। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। शगुफ्ता, वो पानी पीना था मुझे। बात सुनो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मुझसे कुछ कहा है आपने? यहां तुम्हारे अलावा कोई और नजर आ रहा है तुम्हें? कहिए। ये तुम मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रही हो? मुझे तो कहीं से चूहे नहीं लगते आप। मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है, छुपती क्यों फिर रही हो मुझसे? मुझे मिस कर रहे थे? कर ही न लूं मैं तुम्हें मिस। मैं तो बस ये कह रहा था कि कहिए, चुप क्यों हो गए? अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे? जब मैं घर में नहीं होता तो मेरे घर में दंदनाती फिरती हो, और जैसे ही मैं घर में आ जाऊं तो ऐसे गायब हो जाती हो जैसे तुम यहाँ आती नहीं हो। कमाल, मैं तुम्हारे सामने आऊं तो प्रॉब्लम है, ना आऊं तो प्रॉब्लम है, मैं करूं तो करूं क्या? आप सिर्फ मेरे सामने ये जो नेक परवीन बनने का ड्रामा कर रही है ना, इसे बंद करते हैं प्लीज। तो वैसे भी इन सब बातों से इंप्रेस होने वाला नहीं हूं मैं। हेलो, मुझे तुम्हें इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है, जरूरत ही तो है तुम्हें, इसीलिए तो इस घर से जाने का नाम नहीं ले रही। तो तुम चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं? ठीक है, मैं भी इस घर से कहीं जाऊं, जिसको जो करना है कर ले। चैलेंज, वो भी मुझे, देखते हैं बेटा। अम्मी, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, करो आराम से, तसल्ली से, इतनी जल्दी में क्यों? अम्मी, मैं बस शादी के लिए तैयार हूँ। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा दिल खुश कर दिया मेरे बच्चे ने। लेकिन बेटा, इतनी खुशी के बाद कोई इस तरह अपनी माँ को बताता है? और क्या करूँ, बैंड बाजे ले आऊँ? नहीं, बैंड बाजा तो मैं खुद मंगवाऊंगी।
ओह माय गॉड, मैं तो कंफ्यूज हो गई. किससे करेंगे तुम्हारी शादी? उतनी लड़कियां मेरे जहन में थी. रक्षी 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 कैसी रहेगी? नहीं, उसका कद तो बहुत छोटा तुमसे. फिर कौन? रूबी. रूबी कितनी प्यारी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं. लेकिन नहीं, वो तो हाउस जॉब कर रही है, वो जल्दी शादी पर नहीं तैयार होगी. अरे हाँ, शान से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी तुम्हारे लिए. वो समझदार भी है और बहुत प्यारी भी है. और बस आप मुझे ये बताएं, वो शादी के लिए जल्दी तैयार हो जाएगी? हाँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों पड़ गई एकदम से? बस आप जल्दी से ये मामला तय करें. उसकी अम्मी को तो वैसे ही जल्दी उसकी शादी की. लेकिन बेटा, तुम एक दो बार मिल तो लेते उससे. मुझे नहीं मिलना उससे अम्मी. आपको पसंद है, बस मेरे लिए काफी है. क्या कर रही आंटी? मीठा बना रही है बेटा. अच्छा, मुझे बता देती, मैं बना देती. अरे नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपने हाथ से मीठा बनाकर सबको खिलाऊंगी. अच्छा, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें पता है, पारस शादी के लिए राजी हो गया है. मैंने तुम्हें बताया था ना शांजे का, उसकी फैमिली ने भी हाँ कर दी. इसलिए अब मैं इस घर में अपनी मौत बीबी के साथ करूंगी. क्या समझी तुम? शादी कब है? बोलो. तो कहते हैं कि कभी भी कर लो, लेकिन भाई हमें तो तैयारी करनी है ना, इसलिए मैंने सोचा है कि अगले महीने की शुरू की कोई तारीख रख लेंगे. अब देख ले, आप खुद ही देर कर रही हैं. खैर, मेरा काम खत्म. ओके शान से, सी यू टुमारो, टेक केयर. हाँ, बाय. मुबारक हो. बहुत बहुत थैंक यू. वैसे शादी अभी हुई नहीं है, होनी है. तुमने हामी भर लिया, समझो हो गए. वैसे भी महीना गुजरने का कहां पता चलता है. शिफ्ट कब हो रहे हो तुम लोग? बस भाई साहब, मैंने कह दिया है कोई कहीं नहीं जा रहा. शादी का घर है, इतने ढेर सारे काम है, मैं कैसे करूंगी शगुफ्ता के बगैर? बहन जी, मेरा तो कोई मसला नहीं है, आपकी बेटी को जाने की जल्दी है. इसके काम तो मैं खुद खींचूंगी. शगुफ्ता, शादी के सारे काम तुम्हें करने, समझी? आंटी जी, अब्बा को बहुत अच्छा घर मिला है रेंट के लिए, अगर वो भी हाथ से निकल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. जी बहन जी, कह तो ये भी सही रही है, शादी के बाद आपको ऊपर वाला पोर्शन चाहिए होगा और उसके बाद हमें घर मिलना मुश्किल हो जाएगा. नहीं भाई साहब, आपसे किसने कह दिया कि मुझे ऊपर का पोर्शन चाहिए? बस ये तय है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे. दरअसल आंटी, हम लोगों ने शिवता, बेटा मैं बच्ची नहीं हूँ, कोई बहाना करने से पहले ये सोच लेना कि मैंने दुनिया देखी हुई है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सब लोग कान खोल के सुन लें, कोई यहां से नहीं जाएगा. खड़े खड़े देख क्या रहे हो, अब बोलो ना. ये क्या बोलेगा, उसको पता नहीं है शादी के इतने ढेर सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती. जी अब मैं क्या कह सकता हूँ, मर्जी आपकी. देखिए भाई साहब, शांजे के आ जाने के बाद भी हमें ऊपर वाले पोषण की कोई जरूरत नहीं होगी. आप लोगों का जब तक जी चाहे यहाँ रहते रहे. बहुत शुक्रिया बहन जी. आप सच पूछे ना तो सारी रात मैं यही सोचता रहा हूँ कि जवान बेटी को लेकर किसी नई जगह पर कैसे एडजस्ट करूंगा.
लेकिन अल्लाह मुसब्बुल असबाब है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। कहना है क्या? हाँ वो ये ब्लू शर्ट। हाँ शांता से पहली बार मिलने जा रहे हो ना? हाँ ये शर्ट पहन के जाना, ये कलर बहुत सूट करता है तुम पर। यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारी ये मशवरा देने वाली आदत जहर लगती है बिल्कुल। तो मेरी कोई आदत अच्छी भी लगती है? मैंने कभी गौर नहीं किया, वैसे भी कोई अच्छी आदत हो तो बताऊंगा। एक आदत है, तुम मेरी अम्मी का ख्याल बहुत रखती हो, है ना? वैसे तुम ज्यादा परेशान मत होना, तुम्हारी शादी होते ही मैं अब्बा को राजी कर लूंगी यहाँ से जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या लेके जाऊं मैं? मुझे नहीं पता क्या देते हैं लड़कियों को। फूल लेके चले जाना, लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। यार राइट, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं होगी, वो बहुत क्लासी होगी। सुनो तुम उसके सामने ना ये सड़ी हुई बातें मत करना, खुशी से मुस्कुरा के बात करना। ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दे और मेरा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। समझे? थैंक यू। यू वेलकम। बड़ी जल्दी पहचान लिया। हाँ वो अम्मी ने पिक्चर दिखाई थी तुम्हारी। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम याद थे, तुम और आंटी मेरी कजन की शादी में आए थे ना। मेरी कजन तुम्हारी नेबर्स हैं। रियली? आई मीन मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुमने मुझे वही पसंद किया था। नहीं, पर मुझे ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। मेरी और तुम्हारी अम्मी के दरमियान हमारी शादी के बाद काफी महीनों से चल रही थी और फैसला तुमने अब लिया है। I mean, I'm glad to know कि तुम फैसला सोच समझ के करते हो। अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो अम्मी ने जब तुम्हारी अम्मी को शादी के लिए कॉल की थी, मुझे तो उस वक्त पता चला है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इन दोनों के दरमियान ये सारी बातचीत काफी पहले से चल रही है। तो तुम इस फैसले से खुश तो हो ना? Obviously खुश हो, वरना तुमसे मिलने क्यों आता हूँ? Glad to see you, Alice Manning. सुनो तुम उसके सामने ना ये सड़ी हुई बातें मत करना, खुशी से मुस्कुरा के बात करना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आते वक्त किसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे सड़ी हुई बातें ना करूं, आई मीन खुश खुश मुस्कुराते हुए बातें करूं। क्या मतलब, तुम नर्वस हो या फिर तुम्हें ये नहीं पता कि किस वक्त कैसे बात कर रही है? It's not like that. उसको मशवरे देने की आदत बहुत है ना।
चांदे को पसंद आएगी भी या नहीं? चांदे को भी तुम्हारी तरह फूल बहुत पसंद है। अच्छा वो भी नहीं होता है, काम से लड़की है? बिल्कुल नहीं, वो बहुत स्पेशल है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। जैसे कितनी अजीब बात है, इंसान किसी को पसंद करता हो और दूसरे को खबर ही ना हो। अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छा ऐसे अगर माइंड ना करो तो एक बात पूछूं? पहले तो कभी कुछ बोलते हुए ये नहीं सोचा कि मैं मांगी करूंगी भी या नहीं। हाँ क्योंकि बात कुछ पर्सनल है। पूछिए। प्यार करती हो? तुम्हें कोई पसंद है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज मुझसे इतनी सारी बातें करके अपना वक्त जाया कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो नहीं करता बात, और अगर मुझे अच्छा लगे तो क्या सारा वक्त जाया कर दो? सोच लो, फिर मुझे यहाँ अपना स्टे बढ़ाना पड़ेगा। खैर स्टे तो बढ़ाना ही पड़ेगा तुम्हें। क्या है चांदे वाले केस में तुम्हारे मशवरे बहुत काम आ रहे हैं मेरे, तो हो सकता है फ्यूचर में भी तुम्हारे मशवरों की जरूरत पड़े। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? नेवर माइंड। ये वाला जोड़ा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और वो जो तुम्हारे हाथ में है ना, वो सिल के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने पारस को सारी चीजें दिखाई थी, उसे बहुत पसंद आई, बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी चॉइस की। उन्हें डर होगा ना, अगर तारीफ ना की तो बाकी की शॉपिंग उन्हें ना करनी पड़ जाए। ना बाबा ना, मैं नहीं कराती उसे शॉपिंग। तुमने तो ऐसे प्यार से हर चीज खरीदी है जैसे कोई खुद अपने लिए खरीदता हो। हर किसी में इतना खुलूस नहीं होता बेटा। किसी दिन तुम्हें शांति से मिलाने लेके चलूंगी, वो भी बड़ी अच्छी लड़की है। आप खुद अच्छी है ना आंटी, इसीलिए आपको सब लोग अच्छे लगते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, सब अच्छे लोगों को सब अच्छे नहीं लगते। जैसे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें मेरा बेटा पारस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंटी मैं रोटियां बना लूं, अब आते होंगे। बेटा जैसे ही फारिग हो फौरन नीचे आ जाना, बहुत सारे काम पड़े हुए। ओए शगुफ्ता बात सुनो जरा, तुम गायब कहाँ हो आजकल? हर वक्त अम्मी के पास ही घुसी रहती हो, कम से कम मुझसे पूछ ही लिया करो कि आपको कोई काम तो नहीं है। बताएं क्या काम है? ये हुई ना बात, वो मैं कल जा रहा था शांजे से मिलने, तो अचानक मेरे जहन में आया तुमसे मशवरा ही ले लूं क्या पहन के जाऊं कल। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझसे मशवरे लेने के बजाय शांजे से लें? अच्छा ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, वो जब इस घर में आ जाएगी तो उसी से मशवरे लिया करूंगा, उस वक्त तुम्हें कौन याद रखेगा भी? कपड़े निकाल दो। ऐसे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है वो, खुदा करे कि आपको भी उससे मोहब्बत हो जाए। दिल से दुआ दे रही हो? हाँ दुआ दिल से दी जाती है। अच्छा थैंक्स। नहीं मुझे लगा कि एक हैंडसम आदमी को किसी और का होता देखकर दुआ दिल से निकलने के बजाय जुबान से फिसल गई। दुआ की लाज रखना तो खुदा का वादा है, चाहे वो जुबान से क्यों ना दे। अम्मी बता रही थी कि शगुफ्ता की चॉइस बहुत अच्छी है।
ये शगुफ्ता तुम्हारी क्या लगती है? कुछ भी नहीं। हैरत है, जो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है उसका नाम हर वक्त तुम्हारी जुबान पर है। क्या? तुम कुछ ऐसा ऐसा मत समझना। He is just our paying guest. अकेली रहती है? नहीं, अपने डैड के साथ रहती है। अच्छी है। अब ये कैसा सवाल है? पारस, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या हमें अपनी जिंदगी का फैसला करने में जल्दी करनी चाहिए? मेरा ख्याल है ये फैसले की नौयत पे डिपेंड करता है। अगर फैसला किसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने का हो तो मुझे लगता है कि सोच समझ के फैसला करना चाहिए। लेकिन अगर किसी से मोहब्बत है ना, तो सोचने समझने में वक्त नहीं जाया करना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना? तुम क्यों इतनी बोरिंग बातें कर रही? क्या हो गया तुम्हें? कुछ बातों को वक्त पर कर लेना ही अच्छा होता है पारस। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे तुमसे मिलने के लिए तुम्हें यूं बार बार बुलाना ना पड़ता, तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार ना करना पड़ता। अच्छा, I'm sorry. बाकी गलती मेरी है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी शगुफ्ता ने आज मुझे दुआ दी है, मुझे जल्दी तुमसे मोहब्बत हुई। तो पारस, फिर एक काम करना, आज शगुफ्ता से जाकर पूछना कि क्या मोहब्बत दुआ की मोहताज होती। ऐसे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है वो। मैंने सोचा कि हर दफा फूल ले जाना अच्छा नहीं होगा। पता है, मैं लास्ट टाइम नोटिस किया था वो गले में कुछ पहनती नहीं, जैसे तुम पहनती ना ये चेन वगैरह, वो नहीं पहनती। अब्बा, आपसे बात करनी है। हाँ, कहो बेटा। वो घर खाली है क्या? वो हम दोनों के लिए अच्छा है, महफूज भी है और आपको ऑफिस भी करीब है वहां से। मैं सोच रही थी कि हम वहां शिफ्ट हो जाएं। हाँ बेटा, वो जिनका मकान है, कल उनका फोन आया था मुझे, कह रहे थे कि कल तक हमें कंफर्म कर दो वरना हम किसी और को दे दें किराए पे। मैंने तो उनसे कह दिया है कि दे दें। नहीं अब्बा, आप उन्हें फोन करते, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। मगर क्यों? नफीसा बहन क्या कहेंगी कि उन्होंने हमें शादी के लिए रोका और हम काम से घबरा कर जा रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। क्या हुआ? अब मेरे लिए अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। क्या पारस से फिर कोई झगड़ा हुआ है? अब्बा, झगड़ा तो अब कोई होता ही नहीं, और यही बात फिक्र वाली है। मतलब? मैं उसके बारे में और नहीं सोचना चाहती अब। पारस बेटा, अब आ भी जाओ। आ रहा हूं भी। इतनी जल्दी क्यों लगी हुई आज आपको? संडे है भाई, मेरा वैसे भी मेरा रेस्ट करने का मूड था। एक दफा नाश्ता बना दिया, बैठ के चुपचाप कर लो, उसे बार बार गर्म नहीं होता। तो अम्मी शगुफ्ता गर्म कर देगी, प्रॉब्लम क्या है? शगुफ्ता चली गई। चली गई? मतलब? पता नहीं, अचानक ही रात को बाप बेटे ने प्रोग्राम बना लिया और खैर, मैंने बुआ को फोन कर दिया है तो तुम्हारी शादी से पहले आ जाए। नहीं, आपकी कोई बात हुई थी उससे? मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे तुमसे ये डर जरूर है। अल्लाह जाने क्या ऐसी बात हो गई जो बच्चे ऐसे चले गए। जाती है तो जाए, आपने ही बहुत सर चढ़ा लिया था उसे। घर के अंदर ऐसे रहती थी जैसे मालकिन वो है, और बोलती कितना थी। ऐसा लगता था बिला वजह बोलना उसकी हॉबी है।
समझती थी हम उसके बगैर रह नहीं सकते। मैं तो नहीं रह सकती जी। घर में थी तो लगता था जैसे एक हुजूम है लोगों का, खुश रहती थी और खुश रखती थी। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई जो बच्ची यूं इस तरह से चली गई। आपने पूछा नहीं उससे? पूछा था बस वही एक जवाब के अच्छा मकान मिल रहा है तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप हर एक की फिक्र मत क्या करें, कितनी बार मैंने आपको समझाया हर किसी से दिल नहीं लगाते। अगर वो आपको ख्याल रखती थी तो सिर्फ इसलिए कि उसके कदम इस घर में जमे रहे। देख लीजिए जरूरत पूरी हो गई चली गई। वो थी ही ऐसी सुपर एंड सेल्फिश। तुम्हें गुस्सा आ रहा है या अफसोस हो रहा है? जी मैं तो बस वैसे ही। हाय हाय कैसी हो? असलन ये सवाल तो मुझे करना चाहिए क्योंकि फोन मैंने किया है। नाराज हो क्या? नहीं तो याद है तुमने आखिरी मुलाकात में ये कहा था कि अब कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मिलने के बाद से आई डोंट इवन रिसीव अ सिंगल टेक्स्ट फ्रॉम यू। मिस कर रही हूँ मुझे। हम जिस रिश्ते में बनने जा रहे हैं ना उसका तकाजा। मैं दो दिन से कांटेक्ट नहीं किया है। चांसे मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? शगुफ्ता के घर से जाने के बाद घर में 10 काम होते हैं, अम्मी को संभालना होता है, सब कुछ मैं ही करता हूं यार। नहीं मिला टाइम मुझे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो फिर कौन होता? अब ये कैसा सवाल है? बहुत अहम सवाल है, मुझे बताओ ना प्लीज, बट बी रियलिस्टिक। ऑब्वियसली तुम नहीं होती तो कोई और होती। इनफैक्ट अम्मी ने तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी थी लड़कियों की। ये शगुफ्ता की जगह नई पेन गेस्ट कब आएगी? कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शगुफ्ता जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इन सारी बातों को करने का मकसद अहम वो होता है पारस जिसकी जगह कोई ना ले सकता। अहम वो नहीं होता पारस जिसके ना होने पर भी एक लंबी लिस्ट ऑफ चॉइसेस मौजूद है। तुम कहां की बात कहां मिला रही हो यार। ये बात कर लेना बहुत जरूरी है पारस, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करने की बजाय ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हें किससे मोहब्बत करनी चाहिए। मुझसे जिसे याद रखना भी तुम्हें याद नहीं रहता, या फिर उससे जिसे मेरे सामने होते हुए भी तुम याद रखते हो। शांजे आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? तुम खुद को शगुफ्ता से कंपेयर कर रही हो? नहीं मैं तुम्हें कंपेयर करने को कह रही हूँ। मुझे आंटी ने बताया था कि तुमने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ शगुफ्ता को घर से निकालने के लिए की थी। So what? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे घर से चली गई? शगुफ्ता मेरे घर से जा चुकी। वो नहीं गई है। जिद में आकर जिसके लिए तुम जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकते हो वो भी तो तुम्हारे लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हो सकता है वो भी अपनी मोहब्बत को राज रखने के लिए तुम्हारा घर छोड़ के गई हो। शांजे फॉर गॉड्स सेक तुम किस तरह के अंदाजे लगा रही हो? मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूँ पारस, मैं चाहती हूँ कि तुम एक दफा फिर सोच लो। I'm just a way of escape। जिंदगी के इतने बड़े फैसले को जिद की नजर मत करो प्लीज। शांजे
होता है पारस जिसकी जगह कोई ना ले सकता, अहम वो नहीं होता पारस जिसके ना होने पर भी एक लंबी लिस्ट ऑफ चॉइसेस मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करने की बजाय ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हें किससे मोहब्बत करनी चाहिए, मुझसे जिसे याद रखना भी तुम्हें याद नहीं रहता, या फिर उससे जिसे मेरे सामने होते हुए भी तुम याद रखते हो। जिद में आकर जिसके लिए तुम जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकते हो, वो भी तो तुम्हारे लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ये सब समझाने वाली तुम कौन होती हो मुझे? दुनिया की वो आखिरी लड़की जिसे आप हर लड़की का इनकार कर देने के बाद कॉन्टैक्ट करेंगे। शांजा से बात हुई है मेरी? किन उलझनों में हो तुम बेटा? अम्मी शांजा कहती है कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसी जिद में आके नहीं करना चाहिए। शान से जो कहती है वो उसने मुझे बता दिया है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मुझे लगता है शान से बिल्कुल ठीक कहती है। इसका मतलब है तुम एक बार फिर मेरी खुशियों को नजरअंदाज कर रहे हो। अम्मी ये जरूरी तो नहीं है कि शांजा आपको वो सारी खुशियां दे सके जो आप सोचती हैं। वो अपनी जात से बहुत कमिटेड है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना बेटा। नहीं अम्मी, जो लोग अपनी जात से कमिटेड होते हैं वो दूसरों की खुशियों का ख्याल नहीं रखते। मुझे गुफ्ता थोड़ी है। अब शगुफ्ता जैसी कहां से लाऊं? उस जैसा तो शायद ही कोई होगा। अम्मी अगर शगुफ्ता जैसी ही लानी है तो फिर शगुफ्ता ही क्यों नहीं? जी मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ। फूल देने आया हूँ तुम्हें। ये किसने? लगता है तुम भूल गई हो। तुम्ही ने तो कहा था जब किसी लड़की से मिलने जाते हैं तो फूल लेके जाते हैं, इसीलिए लाया हूँ। लेकिन मैं वो लड़की नहीं, मैं शगुफ्ता हूँ। तुम्हें शगुफ्ता, बस तुमसे एक मशवरा चाहिए। ठीक है। मुझे जिससे मोहब्बत हो गई है ना, मोहब्बत वो भी मुझसे करती है, लेकिन वो नजरें चुरा रही है मुझसे, छुपती फिर रही है। हालांकि वो जानती है कि मोहब्बत करने वालों से कुछ छुपाया नहीं जाता, वो तो दिल में ऐसे घर कर लेता है कि रूह निकलने तक वो जगह किसी और की नहीं हो पाती है। आंटी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, काफी बिजी है। इनफैक्ट अभी भी मैं उन्हें आपके अब्बा से फोन पे बात करता छोड़ के आया। कैसी बात? हमारे वापस घर आने की बात। वो क्या है सिर्फ मेरी अम्मी नहीं बल्कि मेरा पूरा घर तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। तुम्हारे बगैर बहुत सोना सुना हो गया है। तो सच्ची बात यही है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं।
हमारी शादी? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या तुम जो इतना मुझे देखा करती थी, हाँ जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता था तुम मुझे छुप छुप के देखा करती थी, मुझे सब पता है, और वो बारिश में मैं सब देख रहा था ऊपर। खुदा का खौफ करो, मैं कब तुम्हें देखा करती? तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है तुम वाकई शादी नहीं करोगे। पक्का? ठीक है, मैं जा रहा हूँ शांति से शादी करने। नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने सोचा तुम मुझे इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मैं हाँ कर ही दूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए क्या शर्त है आपकी? तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगे, कभी भी बहस नहीं करोगे, और मेरी हर बात मानोगे। एक मिनट तो नीचे कर लो हाथ। हाँ ठीक है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, तुमसे बहस भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगा, और मेरी भी एक शर्त है। ठीक है बोलो। यार तुम कमीजुद्दीन कहना तो बंद करो, मुझे इतनी शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, कमीजुद्दीन तो मैं तुम्हें प्यार से कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। अच्छा तो मैं भी तुम्हें स्टिकर कहूंगा फिर। स्टिकर? जब तुम मुझे पहली बार मिले थे मैंने तब भी कहा था कि मुझे स्टिकर मत कहना। हाँ तमीजुद्दीन तो मैं तुम्हें कहती रहूंगी, लेकिन स्टिकर कभी भी नहीं। इतना ड्रामा क्यों हुआ? ऐसे ही हुआ बस, सोच लो कबूल है तो फिर। बड़ी जल्दी है आपको शादी की? क्यों आपको जल्दी है? नहीं मैं सोच रहा हूँ कि एक आध शानदे के साथ ऐसे ही फ्रेंडशिप